तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से या टूडी में। आज हम डिस्कस करने वाले सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 226 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर नीचे में एक सपोर्ट लेवल है 220 रुपीज पर, जो ग्रीन कलर की नेक लाइन देख रहे हैं। पहले इस पॉइंट पर एक रुकावट रेंज देखने को मिल रहा था, जहां पर स्टॉक इस प्राइस को तो रिटेस्ट कर रहा था, पर ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिल रहा था। पर जब स्टॉक ने 220 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट दिया तो ऊपर में 235 रुपीज का एक हाई बनाता है। अब इस पॉइंट पर एक रुकावट रेंज देखने को मिल रहेगा क्योंकि स्टॉक में इस प्राइस के पास एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा और नीचे में जो सपोर्ट लेवल है वो 220 रुपीज पर है। काफी समय से देखें तो स्टॉक एक रेंज बाउंड के अंदर ट्रेंड कर रहेगा, यानी जो स्टॉक का दायरा है वो काफी सीमित दायरा देखने को मिल रहेगा। ऐसे ट्रेड में के अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग के द्वारा काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। नीचे में 220 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर के टारगेट अराउंड 235 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक अभी जिस प्राइस के पास ट्रेड कर रहा है अराउंड 226 रुपीज के पास, अगर आज के दिन स्टॉक 227 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट दे देता है, क्योंकि पहले भी स्टॉक ने 227 रुपीज के प्राइस को रीटेस्ट किया था पर ऊपरी लेवल पर एक बिकवाली देखने को मिली है। पर अगर आज के दिन स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट दे देता है तो स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 235 रुपीज का बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो स्टॉक को 235 रुपीज के बाद ही बाय करें। जब तक स्टॉक इस रेंज बाउंड को ब्रेकआउट नहीं देता, जो रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है, तो वहां पर स्टॉक के अंदर खरीदारी करने का एक अच्छा मौका देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।